हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग विद एसआर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पिक्सआर्ट में फायरफॉक्स फोटो एडिटिंग। और इस फोटो एडिटिंग को देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से हमारा बनने वाला है। ऐसा फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरह से पोज में क्लिक करवाना है अपना फोटो। और गाइस, फोटो एडिटिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि लेटेस्ट पिक्सआर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पिक्सआर्ट अपडेट नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन के लिंक में और डाउनलोड कर लीजिएगा लेटेस्ट वर्जन। और गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट में। गाइस, आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट में अपना फ़ोटो ओपन कर लो। उसके बाद यहाँ पे कट आउट दिख जाएगा टूल, उसको सेलेक्ट करके अपने फ़ोटो में ड्रॉ कर लो तो आपका पीएनजी में सेव हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जितना हमें अपने फ़ोटो में चाहिए पीएनजी। तो इस तरह से आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। तो क्रिएटिंग स्टिकर यहाँ पे हो चुका है गाइस, लेकिन यहाँ पे जो सेलेक्ट किया था हमने वो पूरी तरह सेलेक्ट नहीं हो पाया है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने फ़ोटो में भी अगर ऐसा होता है तो। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है गाइस ब्रश टूल से, और उसके बाद आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ और छूटा हुआ है। अगर और भी छूट गया है जगह तो उसको भी सेलेक्ट कर लेना है गाइस। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोटो पीएनजी सेव हो चुका है। तो उसके बाद आप अपने बैकग्राउंड को ओपन करो, और बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड ओपन करने के बाद आपको रीसाइज ऑप्शन से बैकग्राउंड का साइज मैक्सिमम में कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं 2500 में कर लिया गाइस। और इसके बाद हम जाते हैं स्टिकर्स में। जैसे कि आप अपने कटआउट टूल से सेव करेंगे अपना पीएनजी तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा गाइस स्टिकर्स में। तो आपका भी स्टिकर्स में रहेगा, आप पिक्सआर्ट ऐप में अपने देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो का पीएनजी है वो मिल चुका है। इसको हमें ऐड करना है बैकग्राउंड में, तो आपको भी इसी तरह से एडजस्ट कर लेना है बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से गाइस। तो यहाँ पे पिक्सआर्ट में आपको भी अपना जो पीएनजी है वो ऐड कर लेना है बैकग्राउंड में। ठीक है गाइस, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अपना पीएनजी फाइल। और उसके बाद गाइस, आपके फेस या कहीं भी डार्कनेस या शार्पनेस आ गया है तो उसको आप स्मूथ कर सकते हो। आपको जाना है इफ़ेक्ट्स में, फिर सेलेक्ट करना है ब्लर, और ब्लर को आपको ओपेसिटी थोड़ा लो कर देना है, और ब्रश टूल से अपने फेस में ऐड कर लेना है गाइस इफ़ेक्ट को। इससे क्या होगा कि आपके फेस में जो भी पिंपल्स होंगे वो हो जाएंगे गायब, आपका फेस हो जाएगा स्मूथ ब्लर टूल के यूज़ से। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा फ़ोटो हो चुका है स्मूथ, इसको कर लेंगे डन। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो स्मूथ हो चुका है गाइस। अब इसमें हम जो पीएनजी है फायर पीएनजी उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपको जाना है प्लस टूल में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और उसके बाद ऐड फोटो में, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है पीएनजी। ये सारे पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस लिंक आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे फायर पीएनजी। इसके बाद गाइस, जो भी ऊपर में आपके फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर में आ गया है उसको आप इरेस कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा फायर पीएनजी भी ऐड हो चुका है, और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और गाइस, पिक्सआर्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे में थोड़ा डार्कनेस ऐड करना है तो फोटो और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे डार्क पीएनजी यहाँ पे मैं ले आया हूँ, इसको भी हम नीचे लगा लेंगे। तो डार्क पीएनजी को गाइस हमें अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, और ब्लेंडिंग मोड में इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको भी ऐड करना है गाइस। तो आप भी देख लीजिए स्क्रीन, मतलब ब्लेंडिंग मोड में आपको मल्टीप्लाई को सेलेक्ट करना है जिससे कि ये इस फोटो में मैच खाए।
और यहाँ देख सकते हैं मैं डार्क कर रहा हूँ नीचे साइड को, जिससे कि और भी औसम लगेगा फ़ोटो, मतलब रियलिस्टिक आ जाएगा फ़ोटो में। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है, और ओपेसिटी आप देख लेना आपके फ़ोटो के हिसाब से। तो यहाँ मैं ओपेसिटी थोड़ा लो रखता हूँ, है ना। तो ओपेसिटी लो रखेंगे तो इसमें रियलिटी थोड़ा अच्छा दिखेगा, मतलब ज़्यादा दिखेगा रियलिस्टिक। और इसका जो बॉर्डर है उसको थोड़ा स्मूथनेस, मतलब स्मूथनेस सेलेक्ट करके इरेजर इरेस कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा मैं यहाँ पे इरेस किया, थोड़ा स्मूथनेस कर लेना, हार्डनेस लो कर लेना है इरेजर का, और फिर इसको इरेस करना है। तो इससे पता नहीं चलेगा कि हम लोग ने PNG ऐड किया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, और इसको कर लेंगे डन, और आ जाएंगे टूल्स में और एडजस्ट में। तो यूज़ करेंगे एडजस्ट टूल का, ब्राइटनेस थोड़ा लो कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी हाई, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे इंक्रीज, और हाई कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे हाईलाइट्स, और शेडो को माइनस कर लेंगे 2%। ठीक है गाइस, और फिर आ जाएंगे इफ़ेक्ट में, इफ़ेक्ट में आ जाने के बाद आ जाना है कलर्स में, और फिर कलर्स में आ जाने के बाद कलराइज को सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे कलराइज में गाइस आपको ह्यू को कर देना है 25, और फेड को कर देना है थोड़ा सा इंक्रीज। तो ह्यू कर देंगे हम 0, और फेड को 12 कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो PNG हमने ऐड किया है बैकग्राउंड में, वो बैकग्राउंड के साथ मेल खा गया है, मतलब बैकग्राउंड के टाइप का दिख रहा है गाइस, वहीं पे रियलिस्टिक दिख रहा है। तो ये ज़रूरी है गाइस, बैकग्राउंड के साथ हमारा जो फ़ोटो हम ऐड करते हैं वो मैच करना चाहिए, अगर ये मैच नहीं करता है तो एडिटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्कनेस लो करके नीचे साइड को डार्क किया गाइस, जिससे कि और भी रियलिस्टिक दिखने लगेगा फ़ोटो, और फिर इसको हम सेव कर लेंगे ड्रॉ टूल में जाके। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।